आपके कारोबार के लिए फंड और लोन जुटाने तक। बिग ब्लेस, हर कारोबारी की खुशियों की चाबी, खुशियों की अपनी दुकान। एक सप्ताह पूर्व की तुलना में बीते सप्ताह एशियाई कारोबार में भारतीय चावल के निर्यात कीमत में और कमी आई है। कारोबारियों और विश्लेषकों ने ये जानकारी देते हुए आगे बताया है कि लूनार नववर्ष के अवकाश के कारण अन्य एशियाई देशों के चावल में कामकाजी गतिविधियां सुस्त बनी हुई हैं। दुनिया के सबसे बड़े उपवर्ग निर्यात रूस ने अमोनियम नाइट्रेट के निर्यात पर 2 महीने का प्रतिबंध लगा दिया है। इस कदम से विशेष रूप से दक्षिण अमेरिका को उपवर्ग आपूर्ति कम होने का खतरा है, जो अपने में बढ़ते मौसम में एक महत्वपूर्ण स्थिति पर है। अंतर्राष्ट्रीय बाजारों में सोयाबीन की कीमतों में जोरदार तेजी देखने को मिल रही है। शिकागो सोयाबीन वायदे की कीमतें 1% की तेजी के साथ 8 महीने के उच्च स्तर पर पहुंच गई है। साउथ अमेरिका में सोयाबीन के उत्पादन में कमी, सप्लाई संकट की चिंताओं और चीन की ओर से जोरदार डिमांड के चलते सोयाबीन की कीमतों में तेजी देखने को मिल रही है। सरसों तेल की कीमत में कुछ गिरावट दर्ज की गई है। नई कीमत के अनुसार सरसों का तेल 160 से 170 रुपए प्रति किलो के बीच बेचा जा रहा है। ग्राहकों के पास खरीदारी करने का ये अच्छा मौका है। जोधपुर मंडी में ग्वार के भाव 50 रुपए तथा ग्वार गम के भाव 100 रुपए प्रति क्विंटल घट गए हैं। सप्लाई घटने से ग्वार चूरी में भी मजबूती का रुख रहा। गम मिलों की मांग कमजोर होने से तथा बिकवाली बढ़ने से जोधपुर मंडी में ग्वार के भाव 50 रुपए से 6200 से 6250 रुपए प्रति क्विंटल रह गए हैं। वैश्विक बाजारों के मजबूत समाचार आने तथा मांग बढ़ने से गत सप्ताह के दौरान सराफा बाजार में सोने के भाव 150 रुपए प्रति 10 ग्राम बढ़ गए हैं, जबकि उठाव न होने से चांदी में नरमी का रुख है। सप्लाई कमजोर होने तथा मांग बढ़ने से हाल ही में राइस ब्रान ऑयल 900 रुपए प्रति क्विंटल बढ़ गए हैं। भविष्य में इसमें गिरावट की संभावना कम है। वनस्पति घी और रिफाइंड वालों की मांग बढ़ने में से एक माह के अंतराल में रिफाइंड ऑयल पंजाब के भाव 900 रुपए बढ़कर 11000 रुपए प्रति क्विंटल हो गए हैं। इस साल फसलों पर प्राकृतिक की भारी मार पड़ी है, जिससे उत्पादन में भी भारी गिरावट देखी जा रही है। जिससे मिर्च की फसल भी छूटी नहीं है। फसलों को हुए नुकसान की भरपाई के लिए किसानों ने अनेक प्रयास किया है, लेकिन बेमौसम बारिश और जलवायु परिवर्तन की वजह से कीटों के बढ़ते प्रकोप के कारण इस साल मिर्च का उत्पादन 5 गुना कम हो गया है। जलवायु परिवर्तन का असर इस साल बागवानी पर सबसे ज्यादा पड़ा है, जिसकी वजह से उत्पादन में गिरावट देखी जा रही है। वहीं महाराष्ट्र के सोलापुर जिले में बदलते वातावरण के कारण अनार को बड़े पैमाने पर नुकसान पहुंचा है। अनार पर कीटों और रोगों का प्रकोप बढ़ता जा रहा है। फंडामेंटल्स और चार्ट्स अमेरिका में बढ़ती मुद्रास्फीति के बीच सोयाबीन की कीमतें $16 प्रति बुशल की ओर बढ़ने का संकेत दे रहे हैं। यूएस सोयाबीन वायदा भी लगातार तेज देखने को मिल रहा है। यूएस सोयाबीन वायदा $1570 के पार निकला है, जो कि बीते सप्ताह $1530 पर था। आपकी दुकान स्टोर में रखे सामान का पूरा खाता तैयार करने तक। बिग ब्लेस, हर कारोबारी की खुशियों की चाबी, खुशियों की अपनी दुकान।